अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल या सर्वनेश, न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने केटीआर पर कई सवाल किए। इसमें उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल्स में जो आरोग्य श्री की स्कीम थी वो खत्म हो चुकी है, करोड़ों रुपए हॉस्पिटल्स को बाकी है और कई सारी बातें कही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, कल मुख्यमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सुपुत्र केटीआर का एक स्टेटमेंट आया। वो ये कहता है कि जेपी नड्डा कौन है, मैं पहली बार इनका नाम सुना हूं और उनके नाम के प्रति भी बहुत ही गलत शब्दों का उसने उपयोग किया है। तो मैं केटीआर साहब को यह कहना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जी वही है जो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर। जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे तब तुम और तुम्हारा डेलीगेशन उनके दर्शन के लिए गए थे दिल्ली, शायद ये बात तुम भूल गए, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है ऐसा मैं समझता हूं। और साथ ही साथ बीजेपी कहाँ है ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है। तो अगर बीजेपी देखना है तो आप निजामबाद जा सकते हैं, जहां पर हमारी बहन, यह मैं कह सकता हूं, हमारी बहन को वहां की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरा कर कार की स्टेयरिंग हाथ में पकड़ा के रिटर्न आपके घर भिजाया था। ये थोड़ा इतिहास देख लो, आज एक सांसद से चार सांसद है और आने वाले समय में एक विधायक से हम 100 विधायक तेलंगाना में होंगे, ये आने वाला समय देखेगा और तुम भी देखेंगे। और आप जनता की बात मत करो, जनता का मांस खून सब कुछ लूट रहे हो तुम लोग, खून चूस रहे हो तुम सब लोग, जनता को मार रहे हो तुम लोग। आज जनता को अगर हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आया तो गरीब आदमी कहाँ जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर आपका आरोग्य श्री कार्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। 1500 करोड़ तुम लोग बैलेंस है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, 1500 करोड़। आज प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि हम आरोग्य श्री कार्ड अगर कोई मिलेगा तो हम इलाज नहीं करेंगे। ये तेलंगाना में गरीब लोगों की परिस्थिति है। पहले तो 1500 करोड़ रुपए बंद हो, ये मैं तुम्हारा कहना चाहूंगा। अगर आप पैसा नहीं बन सकते हो तो तुम्हें नया सेक्रेटरी बनाने का कोई हक नहीं है। जनता का सपोर्ट करो, जनता की सेवा करो। और अगर इतना ही है तुम्हें तो एक काम आपको मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी एक बहुत अच्छी स्कीम निकाले, आयुष्मान भारत, जो 1500 से अधिक इलाज होता है और 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, वो तुम लोग स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तेलंगाना में। उल्टा आरोग्य श्री को तुम पैसे नहीं बंधे, हॉस्पिटल को पैसे नहीं बंधे, कोई भी इलाज नहीं कर रहे। तुम जनता के सेवक कहां रहे हो, तुम तो जनता को लूटने वाले रह गए। आज जनता में यानी तेलंगाना में जितने भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, ये कह रहे हो कि तुम जनता के लिए बना रहे हो, हर एक प्रोजेक्ट में बड़ा स्कैम हुए से। और बेफिक्र हो, आने वाले समय में कितना बड़ा स्कैम तुम लोगों ने किया है, ये भी स्कैम भारतीय जनता पार्टी बाहर लाई। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज़।